हरे कृष्णा। तो मेरे पास यहाँ पर है ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, और आने वाली 17 सितंबर को है श्री भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा में क्या हुआ था, ये श्रीमद् भागवतम बोली गई थी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को। 7 दिन 7 रात तक चली ये भागवत कथा, और फिर इसका जो श्रुति फल है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई भी भद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम को अपने घर में लाता है, इसकी पूजा करता है, इसको पढ़ता है, उसको इसी जीवन में भगवत धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने का मौका प्राप्त होता है। अब भला ये श्रीमद् भागवतम इतना खास क्यों है, ऐसा क्या है इस श्रीमद् भागवतम में कि यही पढ़ लेने से, ये ग्रंथराज है और यही पढ़ लेने से हम भगवान के धाम में जा पाएंगे और कोई भी ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्या है इस ग्रंथ में। तो श्रीमद् भागवतम के Canto 1, Chapter 1, Verse 2 में आता है, धर्म प्रोजित कैटे वोत्र परमो निर्मत सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम त्रयोन्तप मूलनम श्रीमद भागवत महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरः साध्यो हृदयो अवरुद्धते शुश्रुभिश तत्क्षणात् कृष्णात्। तो बहुत ही सुंदर ये वर्स है 1.1.2 में वेद व्यास डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है ये श्रीमद् भागवतम, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रंथ लिखने के बाद ही वेद व्यास जी के हृदय में संतुष्टि आई। बाकी बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन ये सब लिखने के बाद उनके हृदय में संतुष्टि नहीं आई, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद उनके हृदय में संतुष्टि आई, ऐसा क्यों है। तो वेद व्यास जी डिस्क्राइब करते हैं, धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत सरानाम सताम। क्या है ये भागवतम, ये धर्म प्रोजित कैटवोत्र परम, ये भागवतम क्या करता है, हर चीटिंग रिलीजन को किक आउट करता है। चीटिंग रिलीजन, आप देखिए जितने भी सारे शास्त्र है वो क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसे करोगे तो नरक जाओगे, बस यही शिक्षा है और ये चीटिंग रिलीजन है। और क्या है, बहुत लोग बताते हैं कि ये काम करो, भगवान को ये चढ़ाओ, ये दो, तो तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी होगी। ये भी एक चीटिंग रिलीजन है, क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम भगवान के सामने बत्ती इसलिए घुमा रहे हैं ताकि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, इसे चीटिंग रिलीजन कहता है। प्रभु जो हमें सब कुछ दे सकते हैं उनसे हम एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं, जो हमें हीरा प्रदान कर सकता है उनसे हम कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं, तो ये चीटिंग रिलीजन कहता है कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। देखिए ये संसार पहले से ही माया से भरा हुआ है और हम भक्ति करके भगवान को ट्रिक कर रहे हैं कि आप मुझे माया में और घसीट दो और डाल लो, तो ये चीटिंग रिलीजन है। और भागवतम में ये चीटिंग रिलीजन कहीं पर नहीं दिया गया है, ये एकदम शुद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिसमें चीटिंग रिलीजन कहीं पर भी नहीं है। तो क्या करता है, भगवान जो है, भगवान तीनों गुणों के परे है, और भगवान की भक्ति करने से हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी तीनों गुणों के परे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस भाव से भक्ति करेंगे, हम भक्ति करेंगे तो भगवान इस संसार में आकर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो इसे चीटिंग रिलीजन कहते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं भगवान की भक्ति करो ताकि तुम वहां जा सको जहां पर भगवान है, ना कि तुम भगवान को यहां बुलाओ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। तो भक्ति करके भगवान से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने को कहता है चीटिंग रिलीजन, लेकिन भक्ति करके भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने को कहता है रियल रिलीजन, रियल धर्मा। तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो, ये सारी चीटिंग रिलीजन को किक आउट कर देता है, निकाल देता है श्रीमद् भागवतम। अच्छा, तो ये भागवतम को समझ कौन पाता है, तो नेक्स्ट लाइन में आता है निर्मत सरा नाम सताम, कि निर्मत सरा, निर्मत सरा मतलब द वन हु इज नॉन एनवियस, निर्मत सरा। और मत्स्या मतलब, मत्स्य मतलब हम सबको पता है फिश, निर्मत सरा मतलब नॉन एनवियस और मत्स्य मतलब फिश, और इस मत्स्य वर्ड से ही आता है मात्सर्य, हम जो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद, मात्सर्य, मात्सर्य मतलब एनवी, ईर्षा, जेलसी, ये मात्सर्य है। एक्चुअली ये फिश मेंटेलिटी, मछली के तरह सोचने को ही एनवियस कहते हैं। कैसे, अगर आप समुद्र में देखेंगे तो समुद्र में छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं और बहुत बड़ी मछलियां हैं, तो जो बड़ी मछली होती है वो सोचती है कि ये जो छोटे मछली है ना, ये जब बड़े हो जाएंगे और तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये छोटी मछली बड़े होकर मुझे खा जाएंगे क्योंकि तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी ही इन छोटी मछलियों को खा लेता हूं, बस काम खत्म। तो ये है फिश मेंटेलिटी, कि ये सोचना कि इस व्यक्ति को मैं अभी गिरा देता हूं ताकि ये बाद में मेरी कोई बुराई ना कर सके, मुझे पीछे ना ढकेल सके, तो इसे कहते हैं एनवियसनेस, कि उसको मैं
इस मुकाम पर नहीं देख सकता, वो क्यों है वहां पर, मैं क्यों नहीं हूं, इसे कहते हैं एनवियसनेस। और अगर हम एनवी करते हैं किसी से, अगर हम फिजिकली एक्सप्लोइट करते हैं, मेंटली एक्सप्लोइट करते हैं, फाइनेंशियली किसी को एक्सप्लोइट करते हैं, किसी से एनवी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम श्रीमद् भागवतम को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को वो ही समझ पाता है जिसके अंदर एनवियसनेस नहीं है, जो कि नॉन एनवियस है। तो श्रीमद् भागवतम में एक लॉक लगा हुआ है, उस लॉक को हम तभी खोल पाएंगे जब हम नॉन एनवियस होंगे। और भले ही हम श्रीमद् भागवतम पढ़ ले, श्रीमद् भागवतम को याद कर ले, श्लोकास रिसाइट कर ले, दूसरों को श्रीमद् भागवतम समझा दे और व्यास आसन में बैठकर भागवतम के ऊपर क्लासेस भी दे ले, लेकिन अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या है, अगर हमारे हृदय में एनवियसनेस है, तो हम श्रीमद् भागवतम को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम को वही समझ पाएगा जो निर्मत्सरा है, यानी कि जो नॉन एनवियस है। तो पहला क्वालिटी क्या है श्रीमद् भागवतम का, कि इट kicks out all the cheating religion, ये सारे cheating religion को लात मार के भगा देता है। और second quality क्या है, कि श्रीमद् भागवतम को वही समझ सकता है जो non-envious है, क्योंकि अगर हम non-envious नहीं होते तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद भी हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा। और ये श्रीमद् भागवतम किसके बारे में चर्चा करता है, तो थर्ड लाइन में आता है, वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम त्रयोन्तप मूलनम, कि ये श्रीमद् भागवतम वास्तव वस्तु, वेद्यम वास्तवत्र वस्तु, वास्तव वस्तु के बारे में चर्चा करता है। बाकी शास्त्र स्वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, नरक के बारे में चर्चा करते हैं, ये देवी देवता के बारे में चर्चा करते हैं, ये सब की चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, ये ऐश्वर्य, ये भोग विलास, ये कार्य के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन भागवतम प्रोफ्यूजली वास्तव वस्तु के बारे में चर्चा करता है। वास्तव वस्तु मतलब इटर्नल ट्रुथ। देखिए, हमारा जन्म होता है, हम मर जाएंगे, हम टेम्पररी बींग है, लेकिन ऐसा कौन है जो हमारे जन्म के पहले भी है, जो मृत्यु के बाद भी रहता है, जो हमेशा रहता है, वो कौन है? और वो है भगवान श्री कृष्ण, जो कि है एब्सोल्यूट ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, वो है वास्तव वस्तु। और इसके बारे में चर्चा करता है श्रीमद् भागवतम, वेद्यम वास्तव वस्तु। और देखिए, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स आर लाइक ग्रास, द मोर यू कट द मोर दे ग्रो। हमारे जीवन की जो दुविधाएं है, जो संगत है, जो प्रॉब्लम्स है, ये घास की तिनके की समान है। आप जितना घास को काटेंगे उतना ज्यादा घास बढ़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या करता है, त्रयोन तप उन्मूलनम, ये प्रॉब्लम्स को जड़ से ही उखाड़ देता है। ये करता है श्रीमद् भागवतम की, ये प्रॉब्लम्स को जड़ से ही उखाड़ देता है। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो ये वास्तव वस्तु के बारे में चर्चा करेगा, यानी कृष्ण के बारे में चर्चा करेगा। और अगर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स जड़ से ही उठ जाएगी। ये मेटेरियल लाइफ क्या है, ये मेटेरियल लाइफ है, छोटे 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 प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, यह है मेटेरियल लाइफ। लेकिन जो भागवतम क्या करता है, कि हमें प्रॉब्लम्स को जड़ से ही उखाड़ देता है, अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे तो। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, पांडवों ने भी तो कृष्ण के बारे में स्मरण किया, स्मरण तो छोड़ो, पांडवों के साथ कृष्ण थे लेकिन उनके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम थी। प्रहलाद महाराज भी विष्णु स्मरण करते थे लेकिन उनके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम थी। ध्रुव महाराज भी विष्णु स्मरण करते थे लेकिन उनके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम थी। गजेंद्र भी भगवान का स्मरण करते थे लेकिन उनके लाइफ में भी तो प्रॉब्लम थी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कृष्ण के बारे में सोचने से प्रॉब्लम चला जाता है? देखिए, प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन क्या होता है ना, तब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखेंगे ही नहीं। पांडव के जीवन में भी प्रॉब्लम थी, प्रहलाद महाराज के जीवन में भी प्रॉब्लम थी, गजेंद्र, द्रौपदी, ध्रुव, ये सबके जीवन में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन्होंने कभी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा हायर को लेकर चलते थे, जो कि है कृष्ण भक्ति। तो ये भक्ति प्रदान करता है, ये श्रीमद् भागवतम हमें वास्तव वस्तु कृष्ण के बारे में समझाता है, तब हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखते ही नहीं है। जैसे अगर हम जमीन में चले और हमारे सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, तो हमें नीचे से अगर हम बिल्डिंग्स को देखेंगे तो बहुत ऊंचा नजर आएगा, बाप रे इतना बड़ा बिल्डिंग। लेकिन अगर हम फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे, एयरप्लेन से जाएंगे, तो वही बिल्डिंग छोटी नजर आएगी। तो क्या होता है ना, बिल्डिंग का साइज तो वैसा है लेकिन हमारा जो एल्टीट्यूड है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो ऊंचा हो गया है। तो भागवतम क्या करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को, हमारे थिंकिंग लेवल को ऊंचा कर देता है, और तब हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह देखते ही नहीं है। वो प्रॉब्लम एक छोटी अपॉर्चुनिटी या छोटा कृष्ण का प्लान नजर आता है, कि इसके पीछे भी कृष्ण की कोई ना कोई योजना तो जरूर है। तो ये करता है श्रीमद्
भागवतम। तो पहला जो क्वालिटी है वो श्रीमद् भागवतम का क्या है, इट किक्स आउट ऑल द चीटिंग रिलीजन। सेकंड क्या है कि भागवतम को वही समझ सकता है जो नॉन एनवियस है, और थर्ड क्या है कि ये वास्तव वस्तु के बारे में बात करता है, और चौथा है कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ देता है, और पांचवा क्या है कि ये श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ईश्वरः। वेदव्यास जी कहते हैं अगर कोई भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो उसको और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, अगर सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ही उसका जीवन सफल हो जाएगा, कोई भी और वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं है अगर वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो। अब ये थोड़ा घमंड जैसा नहीं लगता कि वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा और फिर वो कहते हैं कि यही एक ग्रंथ है, यही मेन ग्रंथ है और कोई कुछ मत पढ़ो। ये थोड़ा घमंड जैसा नहीं लगता कि आप कैसे कह सकते हो यही एक ग्रंथ है? अगर यही एक ग्रंथ है तो बाकी इतने सारे स्क्रिप्चर्स क्यों लिखे गए? अगर यही लिख देते ना, इतने सारे क्यों लिखा भाई तुमने, यही लिख देते। आप देखिए, जैसे अगर कोई कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में बहुत सारे राउंड होते हैं, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, और बहुत सारे टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं ताकि एक एक राउंड क्लियर करके वो फिनाले तक पहुंच सके। तो जो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री है, क्या ये फिनाले है? नहीं, ये फिनाले तक पहुंचने का प्रिपेरेशन है, लेकिन ये फिनाले नहीं है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के पहले भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए ताकि हम श्रीमद् भागवतम रूपी फिनाले तक पहुंच सके, जो कि फिनाले है उस श्रीमद् भागवतम में हम पहुंच सके। और अगर एक बार हम फिनाले में पहुंच गए तो बाकी सारे राउंड को हमें वापस से खेलने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से एक बार श्रीमद् भागवतम में आ जाने से बाकी सारे ग्रंथ पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब मैचेस में क्या होता है ना, आपको एक एक राउंड क्लियर करके आपको फिनाले तक जाना पड़ेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि आप डायरेक्ट फिनाले में जा सकते हो, और ये श्रीमद् भागवतम डायरेक्ट फिनाले है, आपको पिछले राउंड चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि ये आपको डायरेक्ट फिनाले तक लेके जा सकता है, इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि यही एक ग्रंथ है, ये पढ़ लेने से और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपके पास पांच गाड़ी है, फाइव कार्स, आपके पास फाइव कार है, पांच गाड़ी है, अगर आप एक कार से अपनी डेस्टिनेशन तक जा सको, अपने घर तक जा सको, अपने ऑफिस तक जा सको, तो आपको बाकी चार कार की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि आप एक गाड़ी से ही अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हो, तो आपको बाकी चार गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपको श्रीमद् भागवतम कृष्ण का दर्शन करवा सकता है, कृष्ण के धाम ले जा सकता है, तो आपको बाकी सारे शास्त्र की क्या जरूरत है? ये एक ही शास्त्र आपको भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है, इसलिए ये श्रीमद् भागवतम इतना स्पेशल है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा अगर इस श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ेंगे तो? तो लास्ट लाइन में वेदव्यास जी कहते हैं, साध्यो हृदय अवरुद्धते शुश्रुभेश तत्क्षणात् कृष्णात्, कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसके हृदय में कृष्ण एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं? कानों से घुसते हैं, हृदय में बैठते हैं कृष्ण। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं साध्यो, साध्यो मतलब इमीडिएटली, और लास्ट में कहते हैं तत्क्षणात्, ये भी इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली कृष्ण घुसेंगे, इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। अगर कोई भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उनके हृदय में कृष्ण निवास करता है। अच्छा, तो कृष्ण हृदय में जाकर करते क्या है? बैठे रहते क्या? चेस खेलते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मूवी देखते हैं, क्या करते हैं वो हृदय में जाकर? तो वेदव्यास जी आगे कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, प्राविष्ट कर्णरंध्रेना स्वनाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथाशरत, कि कृष्ण कानों से घुसते हैं, अपने हृदय में जाकर बैठते हैं हमारे। जो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है या सुनता है उसे कानों से कृष्ण प्रवेश करते हैं और उसके हृदय रूपी जो कमल है उसमें जाकर बैठते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण देखते हैं कि इसके हृदय में गंदगी है। क्या गंदगी है? ईर्षा, द्वेष, मोह, काम वासना, एनवियसनेस, ये सब कृष्ण क्या करता है? साफ करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि आपने कहा कृष्ण गंदगी को साफ करती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम तो वही समझ सकता है जिनके अंदर गंदगी नहीं है, यानी कि जो नॉन एनवियस है। तो कृष्ण क्या साफ करता है? कृष्ण हृदय में जाके एनवियसनेस कैसे साफ करता है? क्योंकि वही श्रीमद् भागवतम समझ पाते हैं जिनके अंदर एनवियसनेस नहीं है, तो कृष्ण साफ क्या करता है? देखिए, श्रीमद् भागवतम को समझ वो पाता है जिनके अंदर एनवियसनेस नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को सुन तो सब सकते हैं ना, सब श्रीमद् भागवतम को सुन सकते हैं, सब श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के साथ कनेक्ट वही कर सकता है जो कि नॉन एनवियस है। तो अगर कोई एनवियस व्यक्ति भी श्रीमद् भागवतम पढ़े या श्रीमद् भागवतम सुने तो
उनके हृदय में भी कृष्ण प्रवेश करते हैं और वो जाके उनके हृदय की एनवियसनेस को दूर करते हैं ताकि वो श्रीमद् भागवतम समझ सके। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सलीलस्य यथाशरत, जैसे कि अगर एक ग्लास हो जिसमें गंदा पानी भरा हुआ हो और उस गंदे पानी को हम कैसे करके साफ करेंगे, उस गंदे पानी को आप एक साफ पानी के नीचे रख दीजिए, एक साफ पानी का जो नल है उसके नीचे रख दीजिए, वो साफ पानी के नल से पानी निकलते जाएगा और उस गंदा पानी में गिरेगा और वो गंदा पानी ओवरफ्लो होके गिर जाएगा और इमीडिएटली वो गंदा पानी रिप्लेस हो जाएगा साफ पानी में। तो ये करते हैं कृष्ण, कृष्ण हृदय में जाते हैं, हमारे हृदय को साफ करते हैं, जिस प्रकार से एक मडी वाटर रिप्लेस हो जाता है एक अच्छे पानी के द्वारा, तो ऐसे करके कृष्ण हमारे हृदय को साफ करते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम पहला तो क्या करता है, चीटिंग रिलीजन से बचाता है हमें, दूसरा क्या करता है श्रीमद् भागवतम, हमें नॉन इन्वेस होना सिखाता है, क्योंकि अगर हम नॉन इन्वेस होंगे तभी तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तीसरा, ये श्रीमद् भागवतम वास्तव वस्तु के बारे में चर्चा करता है, इटर्नल ट्रुथ। चौथा, ये श्रीमद् भागवतम हमारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ देता है। पांचवा, ये श्रीमद् भागवतम पढ़ने से और कोई भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सातवा, अगर कोई भी श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो उसके हृदय में कृष्ण घुसते हैं, कृष्ण बैठते हैं और वो उसके हृदय की सारी गंदगी साफ कर देते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम इतना दिव्य ग्रंथ है कि जब कृष्ण इस धराधाल को छोड़कर जा रहे थे, धराधाम को छोड़ के जा रहे थे लीला समाप्त करके, तब धर्म गई कृष्ण के पास और पूछने लगी कि प्रभु आप तो जा रहे हो, जब तक आप थे मैं आपकी शरण में थी, अब आप जा रहे हो तो मैं धर्म किसकी शरण में जाऊंगी। तो कृष्ण कहता है कि तुम भागवतम के शरण में जाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में जाओ, और अगर हमें धर्म परायण होना है तो हमें भागवतम के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भागवतम के शरण में ही धर्म निवास करती है। और ये श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के धाम लेकर जाता है, कैसे, अगर हम भद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, उसकी पूजा करेंगे और उसको अपने घर में लाएंगे। तो इस भद्र पूर्णिमा में आप श्रीमद् भागवतम को अपने घर में लाइए और कृष्ण से जुड़ने का मौका प्राप्त करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एंड कृष्णा आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कृष्ण जब पुस्तक के रूप में आते हैं तब भागवत के रूप में वो अवतार लेता है, तो अभी भी कृष्ण का एक अवतार हमारे सामने उपस्थित है और वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।